हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं अपनी सेकंड रेसिपी के साथ आई हूँ। ये भी जन्माष्टमी पे स्पेशल बनती है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको धनिया की पंजीरी की रेसिपी दिखाई थी। अब जो सेकंड बना रहे हैं, ये भी एक प्रसाद होता है जो जन्माष्टमी में यूज़ किया जाता है, जिससे भगवान को भोग लगाया जाता है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं, तो इसमें ये जो है, ये 2 कप मैंने ग्राउंड नट्स ली हैं, थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये मैंने किशमिश ली है, काजू लिया है और बादाम लिए हैं। इनको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ये आपकी अपनी विश होती है कि आप उसको कितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं। मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगी कि ये जो किशमिश होती है, ये थोड़ी कम डालें। उसके बाद मैंने शुगर की बजाय, मैंने जो ब्राउन शुगर आती है, मिनरल शुगर आती है, मैं आज उसका यूज़ करके मैं ट्राई कर रही हूँ रेसिपी। होपफुली इट गोज वेल। और ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रेसिपी है, मैंने बचपन से जब भी जन्माष्टमी होती थी, मेरी मदर जो हैं वो ये बनाती थी, तो आज मैं ये ट्राई करूँगी। अब ये पैन मैंने लिया है, इसको मैंने गर्म कर लिया है और इसके अंदर ये 2 कप ग्राउंड नट्स जो हैं, ये हम इसको रोस्ट करेंगे। ये उतना ही रोस्ट करेंगे जितने में इसके जो ऊपर की स्किन है वो निकल जाए। जब तक ग्राउंड नट्स रोस्ट होती हैं, तब तक हम एक पतीले में ये पानी ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये ब्राउन शुगर ली है, तो ये ब्राउन शुगर अराउंड 3 to 4 कप्स आप ले सकते हैं। और उसमें मैं अराउंड डबल जो अमाउंट है वो वाटर का डालूंगी और इसको हम गैस पे रख देंगे जब इसकी चाशनी बनाने के लिए। ये देखिए, ये रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके इसके सारे जो स्किन है वो उतार देंगे। ये 6 कप के अराउंड मैंने पानी डाल दिया है और उसमें ये 3 से 4 कप ब्राउन शुगर जो है वो रख दिए। इससे हम चाशनी बनाएंगे और इसको तब तक बॉईल होने देंगे जब तक ये थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में हो जाए। ग्राउंड नट्स को जो है उनका छिलका उतार लिया है और ये अब ऐसी दिख रही है। चाशनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी ले लिया है। आप अगर कम पानी लेंगे तो चाशनी जल्दी जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में बन जाएगी। फिर हम इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मखाना हो गया, जो किशमिश है, डेसिकेटेड कोकोनट है और काजू बादाम, वो सब जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। धीरे धीरे हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे। सबसे पहले ये हम ग्राउंड नट्स डाल रहे हैं, फिर हम ये किशमिश डालेंगे, फिर बादाम कटे हुए, फिर काजू और थोड़ी सी डेसिकेटेड कोकोनट। बाकी हम गार्निश के लिए रखेंगे। इसमें हमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ कटे हुए नारियल के टुकड़े। हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाएगा। नाउ इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू पोर ऑन टू द थाली एंड देन विल लेट इट ड्राई एंड सेट एंड द प्रसाद इज रेडी। तो ये आप देख सकते हो, मैंने ग्रीज्ड थाली पहले ही रखी हुई थी, उस पर मैंने इसको सारे मिक्सचर को डाल दिया है एंड इट्स लुकिंग ऑसम। अब इसमें हम थोड़ा सा इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो डालेंगे तो जस्ट गार्निश इट ब्यूटीफुली। सो इट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आई ट्राइड इट विद मिनरल शुगर, सो लेट अस सी हाउ इट विल कम आउट। आई होप सो इट विल लुक and taste wonderful, so we'll let it try। और इसका टेस्ट तो भगवान को प्रसाद लगाने के बाद ही पता लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एक्सपेरिमेंटल कुकिंग। थैंक यू।